जो आपका माइंड खुलने वाला है, आप बोलोगे कि, कि इस पे 24K व्यूज नहीं, इस पे 24 तो मत बनाना आज हम तीन ऐसी बहुत कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत से नए यूएक्स डिजाइनर्स कर बैठते हैं जब वो कोई रिस्पॉन्सिव ऐप या वेबसाइट डिजाइन करते हैं sure आपने इसमें से एक गलती तो जरूर करी होगी

अगर अभी आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे तो करंटली अगर आप कंप्यूटर पर मेरी वेबसाइट खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ऑल यू हैव टू डू इज गो डॉट कॉम वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको इस तरीके से डेस्कटॉप पे मेरी वेबसाइट दिखेगी यही वेबसाइट अगर आप मेरे फ़ोन पे खोलोगे तो आप कुछ इस तरीके का यू दिखेगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे लेट कर लो ये एक मेरी पिक्चर है ये मेरा एक लोगो है यहाँ पे मेरा माय स्टोरी का एक कॉलम है यहाँ पे ये तीन आइकन है ये सारे कंपोनेंट्स एज इट इज़ वेब से उठ के मोबाइल पे चले जाते हैं मतलब कि जो मेरा मोबाइल का वेबसाइट है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है वो एग्जैक्टली exactly वो कंपोनेंट्स है जो वेबसाइट पर दिख रहे हैं अगर मेरी वेबसाइट पर दस चीज़ें हैं तो मेरी मोबाइल वेबसाइट पर भी दस चीज़ें होगी तो क्या करते हैं हम अगर हम एक कोड लिख रहे हैं तो हम इस कोड के अंदर दस कंपोनेंट्स बनाते हैं और इन दस के दस कंपोनेंट्स को ये समझाते हैं कि भैया अगर स्क्रीन बड़ी हुई तो आप इस तरीके से साइज चेंज कर लेना अगर स्क्रीन छोटी हुई तो इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेना यानी कंपोनेंट्स वही रहते हैं बट कंपोनेंट्स को जिस हिसाब से स्पेस मिलता है कंपोनेंट्स अपने आप को फिट कर लेते हैं ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की अगर एक छोटा कंप्यूटर है या बड़ा कंप्यूटर है या टैबलेट है या फ़ोन है या पुराना फ़ोन है या नया फ़ोन है आप कोई भी डिवाइस खोलोगे तो ये वेबसाइट एज इट इज़ लोड हो जाएगी तो इट इज़ बेसिकली लोडिंग द सेम वेबसाइट ऑन ऑल डिवाइसेस अब ये कैसे होता है इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है व्यू पोर्ट्स का तो मैं इजी सा एग्जाम्पल दूंगा लेट कर लो ये एक छोटा फ़ोन है ये एक बड़ा फ़ोन है ये एक आईपैड है और ये एक बहुत चौड़ा सा हमारा लैपटॉप है मैं बहुत कॉमन विर्थ मान के चल रहा हूँ तो लेट कर लो इसकी विर्थ है टेन इसकी विर्थ है फिफ्टीन इसकी विर्थ है ट्वेंटी फाइव और लैपटॉप की विर्थ है थर्टी फाइव इंचज मान लो सेंटीमीटर मान लो कुछ भी मान लो मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपकी विर्थ बढ़ रही है तो क्या होता है कि जब स्क्रीन यहाँ से यहाँ जंप मारती है यहाँ से यहाँ जंप मारती है ये जो बैरियर है जिस पॉइंट पे आपका डिवाइस चेंज हो रहा है इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक पॉइंट ये ब्रेक पॉइंट आपकी वेबसाइट को बताता है कि भैया अब मैं फोन नहीं अब मैं टैबलेट पे हूं तो हम क्या करते हैं क्रिएट कर लेते हैं कि लेट कर लो हमने बोल दिया कि भैया अगर हमारे को कोई भी स्क्रीन 20 से लेके 30 की विट्स की मिलती है तो ये एक टैबलेट है तो जो टैबलेट का ब्रेक पॉइंट होगा ना वो होगा 20 अब रियलिटी में ये पिक्सल्स में होता है बट मैं उतनी डेप्थ में अभी जाना नहीं चाहता मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि अलग अलग डिवाइसेस होते हैं और अलग अलग डिवाइसेस की जो बाउंड्री होती है इनको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जो है व्यू पोर्ट का मैं जरा पहले सबको इरेज कर दू जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है व्यू पोर्ट का व्यू पोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरी स्क्रीन है जो भी मेरे ऑडियंस को दिख रहा है जो भी मेरे यूजर को अभी विजिबल है इस पूरी चीज को हम पोर्ट बोलते हैं कि अभी करंटली आपके कंप्यूटर पे ऑडियंस को क्या दिख रहा है राइट right? इस पोर्ट के हिसाब से आपके सारे कंपोनेंट्स अपने आप को रिसाइज करते हैं एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज आप चेक करते हो कि भैया मैं कौन सी विथ्थ पे हूं तो आपको ब्रेक पॉइंट बताता है कि मैं टैबलेट पे हूं फोन पे हूं या कंप्यूटर पे हूं और जो डेवलपर्स होते हैं जब वो सी एस एस में कोड कर रहे होते हैं तो वो इसी चीज को मीडिया क्वेरी बोलते हैं अगर आप किसी भी गूगल क्रोम की वेबसाइट पर जाओ एलिमेंट करोगे राइट क्लिक करके तो आप एक्चुअली में देख सकते हो उसमें ना इंस्पेक्ट क्लिक करते ही एक मेन्यू खुल जाता है ऊपर आपके डिवाइसेस आ जाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये सेम वेबसाइट एक एंड्रॉइड फोन में कैसे दिखती है आईफोन में कैसे दिखती है एक बड़े कंप्यूटर में कैसे दिखती है और अगर आप राइट right साइड पे कोड देखोगे तो आपको वहां मीडिया क्वेरी करके एक टैग मिलेगा अगर आप गूगल पे जाओगे तो आप मीडिया क्वेरी के बारे में पढ़ सकते हो बट बेसिकली जो फंक्शन है मीडिया क्वेरी हो जाए या ब्रेक पॉइंट हो जाए उसका बेसिक लॉजिक यही है कि हमें समझ आ जाए कि अभी आप कौन से डिवाइस में हो अब जब आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन कर रहे होते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो फंडामेंटल्स होते हैं वो होते हैं कॉलम लेआउट्स के तो यूजुअली अगर ये मेरी एक स्क्रीन है तो हम इसको लंबे लंबे कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं और जो बेसिक थम रूल है ये हार्ड रूल नहीं है बट जो बेसिक कॉमनली जो लोग फॉलो करते हैं वो डेस्कटॉप को ट्वेल्व कॉलम में डिवाइड कर देते हैं टैबलेट को फोर कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं और मोबाइल में टू कॉलम्स को डिवाइड कर देते हैं बट अब क्वेश्चन आता है कि इन कॉलम्स की विथ क्या है राइट right? मैंने बोल दिया कि ये ट्वेल्व कॉलम्स है बट ये भी तो तो मुझे बताओ तो ये वेरिएबल है आप जो भी सी एस एस का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो वो डिफाइन करता है कि ये कॉलम की क्या होगी क्योंकि अभी जो मैंने आपको इमेज बनाई है इसमें मैंने कॉलम्स एक साथ चिपका दिए हैं बट कॉलम्स के अंदर भी गैप्स होते हैं तो टेक्निकली क्या होता है कि अगर ये मेरी स्क्रीन है और ये मेरा कॉलम वन है ये मेरा कॉलम टू है ये मेरा कॉलम थ्री है तो ये जो आपको बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया इसको कहते हैं गटर अब इस डिस्कशन में हम घंटों जा सकते हैं कि गटर क्या है कॉलम विथ क्या है बूथ क्या है ये सब क्या है बट आज ये डिस्कशन नहीं है आज हम बस ये समझना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव में क्या फर्क है तो मेक श्योर sure ये वीडियो एंड में देखना क्योंकि एंड में मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूं जो फिग्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी जिसमें उन्होंने दो प्लग को यूज करके समथिंग मैजिकल है बढ़ा उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा तो अब हम समझते हैं कि डिजाइन क्या होता है तो डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पे ट्विटर का एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है राइट साइड पे मैंने ट्विटर को अपने कंप्यूटर में खोला हुआ है और लेफ्ट साइड में मैंने सेम यूआरएल को ये मैंने यूआरएल पकड़ा मैंने अपने आप को व्हाट्सएप करा और मैंने सेम यूआरएल अपने फोन पे खोला तो मैंने अपने फोन पे जब उस लिंक को क्लिक करा तो गूगल क्रोम खोला मैं ट्विटर की ऐप में भी खोल सकता था बट बाय डिफॉल्ट मैंने गूगल क्रोम सेलेक्ट करा हुआ है तो वो सेम लिंक Google Chrome में खोली तो ये बहुत से फीचर्स दिख रहे हैं अगर मैं ये लिंक पे खोलता हूं तो वहां पे मुझे बहुत से फीचर्स मिल रहे हैं आप ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा ट्वीट है यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू है जहां से अलग अलग जगहों पे जा सकता हूँ यहाँ पे मुझे वो रेलिवेंट पीपल की रिकमेंडेशन दे रहा है यहाँ पे वो मुझे अलग अलग ट्रेंड्स के बारे में बता रहा है इसलिए क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा रियल एस्टेट है रियल एस्टेट मतलब उसके पास इतना ज़्यादा स्पेस है मेरे कंप्यूटर पे तो वो स्पेस को क्यों ना यूज़ करे यही जब हम फ़ोन पे आते हैं तो मुझे सिर्फ मेरा यूज़र नेम दिख रहा है मेरा ट्वीट दिख रहा है जो मेरा मीडिया है वो दिख रहा है और मेरे पास अपनी बेसिक ऑप्शन है तो अगर आप ध्यान से देखो कि इट इज़ एक्चुअली लोडिंग डिफरेंट कोड्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस पिछली बारी क्या हुआ था अंशमेरा डॉट कॉम का एक ही कोड था डेस्कटॉप पे जो कंपोनेंट्स लोड हुए एग्जैक्टली वही कंपोनेंट्स मेरे फोन पे लोड हुए और उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया अपने आप को चेंज कर लिया अडेप्टिव डिजाइन में सेम कोड नहीं लोड हो रहा है इट इज़ लिटरली कि मैंने समझा कि भैया मेरे पास डेस्कटॉप जितना तो स्पेस है नहीं मेरे पास मोबाइल जितना स्पेस है तो मैं उतने ही फीचर्स लोड करना चाहूंगा जो यहाँ पे फिट हो जाए राइट तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है जब आप एक वेबसाइट बना रहे होते हो अगर आपको उसका डेस्कटॉप डिजाइन डिजाइन बनाना बनाना है और बनाना है और फोन तो ये आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होता है कि क्या हम इसको रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं या अडेप्टिव बना रहे हैं उस हिसाब से फिर आप में फिग्मा का जो आपका डिजाइन सिस्टम बनता है वो इस फाउंडेशन पे रन होता है ये डिसीजन पहले लिया जाता है ये अगर आप गूगल पे जाओगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया

कंप्यूटर uh, पे किसी बड़े स्क्रीन uh, पे तो आपको रियलाइज होगा कि ये अगर मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट है और ये मेरा वेबसाइट का मेन कोड है तो आफ्टर अ वो इसको ब्लैंक स्पेस की तरह छोड़ देते हैं बिकॉज दैट इज मोर इजी टू एक्सेस अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बेनिफिट्स क्या है एंड डिज़ाइन के बेनिफिट्स क्या है अगर आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन में काम करते हो तो आपकी मेजरली एक मेन कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है हो सकता है कि आपको वेब और मोबाइल के लिए सेपरेट डेक्लेन्स करनी पड़े बट ऑन वेरी अटोमिक लेवल ऑन अ वेरी स्ट्रक्चरल लेवल कंपोनेंट्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं तो आपका इतना थॉट नहीं लगता अभी जब मैंने आपको अडेप्टिव डिजाइन का एग्जांपल दिखाया तो वहां पर लिटरली इट इज वेरी डिफरेंट राइट वेर एज इफ यू गो टू माई वेबसाइट जो मेरे डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स और जो मेरे मोबाइल के कंपोनेंट्स उसमें बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं है सो इट्स वन कंपोनेंट लाइब्रेरी विच इज फलुड आपकी कंपोनेंट डेक्रेशन में आपने कंस्टेंट सेटअप करे हुए हैं और आपने थोड़ा सा इधर उधर करके अपनी चीजों को फिट कर लिया है इट इज ईजी टू मेंटेन क्योंकि आपने एक कंपोनेंट में जब चेंजेस करे तो ऑफकोर्स सारे डिवाइस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं चाहे ये फोन हो चाहे टैबलेट हो चाहे यू नो डेस्कटॉप हो तो आपको पता है कि मैंने एक कंपोनेंट में डिसीजन लिया वो हर जगह इनहेरिट हो गया इफ अ न्यू डिवाइस कम्स इन द मिडिल स्टिल नॉट ब्रेक राइट right, हो सकता है कि मेरा एक नया फ़ोन लॉन्च हो गया जो इसके बीच में आ रहा है लेट कर लो मेरी एक रेंज है थ्री ट्वेंटी पिक्सल्स यहाँ से मैं चला गया एट हंड्रेड तक यहाँ से मैं चला गया नाइनटीन ट्वेंटी तक यहाँ बीच में एक नया डिवाइस आ गया एक न्यू डिवाइस आ गया तो मुझे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे कंपोनेंट्स को ऑलरेडी पता है कि कैसे अपने आप को यू नो स्पेस के हिसाब से एडजस्ट करना है एंड इट परफॉर्म्स बेटर विद एस तो अगर आप गूगल पे अपनी वेबसाइट को सर्च करते हो अगर आपके फोन के कंपोनेंट्स और वेबसाइट के कंपोनेंट्स में कोड सेम है आपका एक ही यूनिट कोड है तो वो हर जगह स्प्रेड हुआ हुआ है राइट आप यू हैव डबल डाउन ऑन योर एसईओ सिंपली बिकॉज एक कोर कंपोनेंट लाइब्रेरी है जो हर जगह यूज हुई हुई है वेरी so टाइटली

जब आप एक कॉम्प्लिकेटेड वेब प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि जो डेस्कटॉप के सारे फीचर्स है वो आप एज इट इज ऐप में भी फिट कर दो बिकॉज यू हैव स्मॉल रियल एस्टेट तो ऐसे केसेस में क्या होता है यू एक्चुअली कान डू रिस्पॉसिव डिजाइन हाँ अगर आप एक मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हो जैसे मैंने अपने अंचमना को एक टेम्पलेट एडिट करा था मैंने अंशमरा के लिए

यही सेम चीज अब मैं फोन पे लोड कर रहा हूं तो वहां पर भी मुझे 10 के 10 कंपोनेंट्स लोड करने होंगे बट यही अगर आपने अडेप्टिव डिजाइन में इन्वेस्ट किया होगा तो हो सकता है कि आपने 10 कंपोनेंट्स को यू नो रिड्यूस करके आपने सिर्फ पांच मेन कंपोनेट्स लॉकडाउन करे कि भैया फोन में क्योंकि रियल स्टेट कम है हम सिर्फ फाइव कंपोनेंट्स रखेंगे उसमें क्या होता है कि जो कोड को लोड करने का टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है ऑब्वियसली राइट right? मुझे दस चीजों की जगह सिर्फ पांच चीजें डाउनलोड करनी है तो इट बिकम्स ईजियर

कोड ने गया मीडिया क्वेरी के अंदर मीडिया क्वेरी से उसको पता चला कि मैं कंप्यूटर नहीं हूं मैं एक टैबलेट हूं जैसे ही पता चला कि ये टैबलेट है उसने बोला कि भैया हमारे को दस कंपोनेंट्स लोड करने की तो जरूरत ही नहीं है तुम एक काम करो जो मेजर फाइव कंपोनेंट्स है जो एक्चुअली में टैबलेट के लिए जरूरी है तुम उन्हीं को लोड करो तो अगर दस कंपोनेंट्स को लोड करने में तीन सेकंड लग रहे हैं इसको शायद सिर्फ दो सेकंड लगे

iMac को मैंने इस बड़े मॉनिटर से कनेक्ट करा है एक सेकंड लगता है लिटरली इट्स अ यू एस बी सी टाइप केबल इट्स नॉट ऑल कॉम्प्लिकेटेड मैंने बस आई मैक को कनेक्ट करा एंड नाउ आई हैव सो मच मोर स्पेस टू सॉर्ट ऑफ कीप माई इंस्पिशन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वर्क ऑन द राइट साइड राइट कभी कभी मैं फीडबैक ले रहा था तो फीडबैक ले भी मेरा लेफ्ट पे फीडबैक का पूरा थ्रेड चल रहा होता है और राइट साइड पर मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ तो आई जस्ट हैव सो मच मोर स्पेस एंड द स्क्रीन इज सुप्रीमली क्रिस्प अभी मैं आपको दिखाऊंगा इट इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट पूरे मॉनिटर के अराउंड कोई भी डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट नहीं है तो इट इज एब्सोल्युटली एज टू एज मुझे कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट नहीं दिखा जो स्टैंड की क्वालिटी है वो बहुत स्टर्डी है लाइक इट्स एब्सोल्युटली हैवी तो मुझे डर नहीं लग रहा कि इसको कुछ हो जाएगा यू नो इट लुक्स प्रीटी कूल इट लुक्स वेरी वेरी फॉर्मल एंड इट इज वेरी स्लीक एंड मुझे सबसे ज्यादा कूल लगता है ये सीमलेस कर्सर लाइक मेरा कर्सर मेरे आई मैक से सीमलेसली मॉनिटर पर आ जाता है सीमलेसली मोनिटर से वापस आई मैक में आ जाता है लाइक इट इज एग्जैक्टली हाउ आई यूश टू सी लाइक आई जस्ट लव इट लाइक आई नो दिसरी कॉमन फीचर बट जस्ट लाइक दबिलिटी टू डू दिस थ्रू एयर लाइक लिटुअली जस्ट लाइक मूविंग माई कर्सन एंड की वर्ड फ्रॉम हियर टू देर इट जस्ट फील वेरी प्रो एंड यू नो मोर देन द फंक्शनैलिटी जस्ट द वाइब ऑफ इट इज वेरी गुड लाइक अब जब कोई मेरे रूम में आता है और वो देखता है कि डोट लाइक ही हैज लाइक से मोनिटर दैट गैस लाइक He's 100% doing something good. <laughs> it's a game of perception, right? But uh, when someone enters my studio now and sees like this big 4K monitor next to my iMac with like this fancy table, they're like, oh, this guy is probably doing some very important work. So Bentuki KQ color technology, hai, which allows them to have very precise colours. They've given this very cool gadget, which is called Hotkey Pug G2. Uh, Just easily monitor kisari settings ko access to like, it. Like it looks pretty cool. It is connected to my monitor. रखा रहता है इस मॉनिटर के स्टैंड की आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो तो अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको मॉनिटर किस हाइट पर रखना है टाइप सी केबल से मैं अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता हूँ तो अगर मेरे पास चार्जर नहीं है मुझे सिर्फ अपने लैपटॉप को इस मॉनिटर से कनेक्ट करना है एंड इट वु जस्ट चार्ज माई लैपटॉप सीमलेसली पीछे आपको यूएस रिपोर्ट स्पीकर

आप क्या करते हो एक बड़े कैनवस से शुरू करते हो आप नहीं मतलब हो सकता है बहुत से डिजाइनर्स ऐसे करते हो कि एक फ्रेम सेलेक्ट करा जो भी उनको डेस्कटॉप फ्रेम दिखा ये हो सकता है यू नो नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन हो और सारे कंपोनेंट्स इस हिसाब से करे सारा जो डिजाइन भी करा वो नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन के रेफरेंस में करा विच इज रॉन्ग जो डेस्कटॉप का ब्रेक पॉइंट होता है वो 1280 एटी बाई सेवन ट्वेंटी शुरू हो जाता है आपको क्या करना है हमेशा स्मॉलेस्ट स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करना है क्योंकि स्मॉल स्क्रीन के यू को आप स्केल करके बड़े स्क्रीन में फिट कर सकते हो बट बड़े स्क्रीन के यू को आप स्मॉल स्क्रीन में फिट नहीं कर सकते मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है एक क्विक एग्जाम्पल देता हूँ लेट कर लो आपने एक बड़े कैनवस पे डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और यहाँ पे मैंने एक नैफ बार बनाया और यहाँ पर मैंने एक लेफ्ट बार बनाया और यहाँ पे अलग-अलग कार्ड्स बना दिए इस तरीके से इस नेव बार में मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई मैंने भर-भर के एलिमेंट्स डाल दिए अब इशू ये हो रहा है कि आपने यहाँ पे विड्थ ले ली 1920 की ठीक है ये 1920 बाय 1080 है और जब किसी ने पुराने लैपटॉप पे इसको खोला विच इज 1280 बाय 720 वहां पे ये जो आपका नेव बार है ये फिट ही नहीं आएगा क्योंकि को अगर आप बिल्कुल भी स्क्वीज कर लोगे तब भी ये फिट नहीं आएगा क्योंकि आपने स्मॉल स्क्रीन से नहीं शुरू करा आपने बड़ी स्क्रीन से शुरू करा आपको 1280 एट्टी बाई सेवन ट्वेंटी पर डिजाइन करना है और फिर आगे उसको एक्सपैंड करते हुए लेके जाना है फिर उसके अंदर कंस्ट्रेंट डालने तो पहले आपको 1280 के हिसाब से नैफ बार बनाना पड़ेगा इन सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स में आपको कंस्ट्रेंट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको कंस्ट्रेंट्स नहीं आते डोंट वरी मैंने इनफैक्ट सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डाली हुई है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर एक फ्री पंद्रह वीडियोस का कोर्स डाला हुआ है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी उसमें दो वीडियोस है वीडियो नंबर एट एंड ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी है तो इसमें ना ग्रिड स्पेसिंग्स स्पेसिंग ये मैंने क्या कर दिया है इसमें ये ग्रिड स्पेसिंग एंड लेआउट्स का एक वीडियो है।, है इसको प्लीज़ देख लेना ये बहुत ज़रूरी है इसके बिना आपको चीज़ें नहीं समझ आएगी कंस्ट्रेंट्स का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है वो अभी इंग्लिश में है बट आप सिग्मा के भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ का लॉजिक मिल जाएगा आपको कंस्ट्रेंट सीखने की जरूरत है और जितने भी आप कंपोनेंट्स डिक्लेयर कर रहे हो उसमें एंड मेक फॉर ट्वेल्व एटी बाय सेवन जब आप कंपोनेंट्स बना रहे होंगे लेवरेज ऑटो लेआउट इंस्टेड ऑफ फ्रेम्स एंड ग्रुप्स तो हाँ कुछ जगहों में हो सकता है आपको की नीड हो बट मैं आपको तब भी रेकमेंड करूंगा कि जितना ज्यादा आप ऑटो लेआउट को यूज कर सकते हो करो क्योंकि अब तो ऑटो लेआउट के अंदर भी एलिमेंट्स पिन हो जाते हैं राइट right, तो अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसा डालना है ऑटो लेआउट में जो आपको नहीं चाहते कि आप वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए फ्रॉम पैडिंग एंड स्पेसिंग तो आप उस पर क्लिक करो तो वहाँ पिन हो जाता है इट्स लिटरली ब्लेंड ऑफ फ्रेम्स विद कंस्ट्रेंट एन ऑटो ले आउट राइटनिकली देखा जाए तो आपको ऑटो ले आउट के अलावा कुछ यूज ही नहीं करना चाहिए सोलज ऑटो लेआउट एंड ट्राई टू यूज कॉलम लेआउट इन योर फिग्मा फ्रेम अगर आपको कॉलम लेआउट नहीं आता है बस फिगमा के यूट्यूबल पर जाओ अभी मैं आगे भी आपको रिसोर्सेस दूंगा बट आप फिग्मा के यूट्यूब चैनल पर जाकर कॉलम ले आउआउट समझ सकते हो राइट साइड पर ही होता है आप कॉलम ले आउट एड करते हो बारह कॉलम लेआउट में उस हिसाब से आप चीजों को यूज करते हो वैसे तो इन दो वीडियोज में दो विडियो नहीं ये एक ही है, अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर आपने ये वीडियो देख ली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मिस्टेक नंबर थ्री नॉट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी एंड द लॉजिक बिहाइंड थ्योरी ही बहुत वीक होती है वो डायरेक्टली डिजाइन करने लग जाते हैं उनको लगता है हमने फ्रेम सीख लिया है उट सीख लिया है सीख लिया है, तो अब हम फटाफट -फड़ से बनाना शुरू कर जब उनकी थ्योरी बहुत वीक होती है तो तीन आर्टिकल्स है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इन तीन आर्टिकल्स को बिना पढ़े पहला आर्टिकल इस ये एक आर्टिकल है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम आर्टिकल आपके बहुत से डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे दूसरा आर्टिकल है ऑन डिजाइन सिस्टम डॉट कॉम विच इज कॉल्ड स्पेस ग्रिड्स एंड लेआउट बाई एलियर डैल ये भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इट इज़ टू इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे इससे आपका लॉजिक क्लियर होगा आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है और जो आखिरी आर्टिकल है ये एक मीडियम आर्टिकल है इट इज़ कॉल्ड एवरीथिंग यू नीड टू नो एज ए यू डिज़ाइनर अबाउट स्पेसिंग एंड लेआउट आउट ग्रिड्स इन आर्टिकल्स को ढूंढने में, में मेरा बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ है आप यकीन नहीं करो कि मैं मैं जब सीख रहा था तो मैंने बहुत से रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कराया मैंने बहुत सी चीज़ों को टेस्ट करा है मैं जानता हूं आप कहा गलती करने वाले क्योंकि मैंने भी वही गलतियां करी है बट आप गलतियां मत करना क्योंकि अगर आपने ये तीन आर्टिकल्स को पढ़ लिया इनके नोट्स बना लिए और अपने नोशन पर डॉक्यूमेंट कर लिए यू लिटरली मैसेज मी से अंश आपने बिल्कुल परफेक्ट रिसोर्स दिया है ये तीन आर्टिकल से मेरे घंटों हो सकता है घंटों नहीं हफ्तों की गलतियां

Responsify क्या करता है? है है है। जो आपका main frame होता ना, उसमें एक menu खुलता है और आप टेस्ट पे 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 करो, आप वो आपके same frame को अलग-अलग कर लेता है। But ये तभी काम करेगा का जब आपने वहाँ पे components declare करे हुए और उन कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर करे हुए तो कर लो कि यहाँ पर मैंने तीन कंपोनेंट्स बनाए C1, C2, C3। सबके अंदर मैंने कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर कर दिए।

अपने सारे इंस्टेंसेस डालते हो जिसमें सारे कंस्टेंट बने हुए हैं और फिर वो उसको डुप्लीकेट कर देता है फॉर मल्टीपल डिवाइसेस तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मेरा ये डिजाइन बाकी गैजेट्स पे कैसा दिखेगा इनक्रेडिबल टूल जो सेकंड प्लग है उसका नाम है ब्रेक पॉइंट ब्रेक पॉइंट से क्या होता है कि आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट के फ्रेम्स बनाते हो अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे राइट right? क्योंकि मोबाइल में अलग कंपोनेंट है वेब में अलग कंपोनेंट है टैबलेट में अलग कंपोनेंट है ब्रेक पॉइंट से आप क्या कर सकते हो आप एक टेस्ट फ्रेम बनाओगे और उस टेस्ट फ्रेम के अंदर ही आप मोबाइल टैबलेट वेब सारे फ्रेम्स को डेमो कर सकते हो अब आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा बट मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको थोड़ा रिसर्च करो खुद समझो एंड एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड यू 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 विल लिटरली गो क्रेजी वेन यू सी हाउ दिसनल्ड क्विक रिस्पॉन्सिव वर्क फ्लोस अमेजिंग Amazing. अभी जो मैंने आपको दो प्लग बताएक हो गया और इंडिविजुअली तो यूज कर बट इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे इस पे ट्वेंटी फोर के व्यूज नहीं इस पे ट्वेंटी फोर मिलियन व्यूज होने चाहिए इट इज दैट गुड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वाई पीपल आर नॉट यूजिंग दिस इस दो मिनट की वीडियो में जो आप सीखने वाले हो इट्स गुन बी अ गेम चेंजर मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी समझा दिया मेरे को मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सारी रिसोर्स दे दूं आगे तो कुछ है नहीं सो so यस yes, आज हमने तीन अच्छी खासी मिस्टेक्स डिस्कस करी है जो बहुत से यूएक्स डिजाइनर्स करते हैं जब विजाइंस करते हैं या अडेप्टिव कंपोनेंट्स बनाते हैं और ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद भीजी तो हो जाएगा हाँ अगर आप आज यहां पहली बार ही हो तो मेरा नाम है अंश मेहरा और इस यूट्यूब चैनल पर मैं फ्री में यूएक्स डिजाइन सिखाता हूँ यूएक्स के अलावा और भी बहुत चीजें बताता हूं अभी मेरा एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जहां पे मैं यूएस डिजाइन सिखाता हूँ फ्रॉम एप्सूट बिगिनिंग पंद्रह

प्रोडक्ट मैनेजर्स डिवेलपर्स और फाउंडर्स को भी दिखा सकते हो जिससे आपकी भी लाइफ एज अ डिजाइनर थोड़ी सी ईजी हो जाए और अगर आप एक यूएक्स डिजाइनर हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने कोर्स बना दिया है तो वो कोर्स आपको जरूर देखना चाहिए इन वीडियो से पहले आपको वो कोर्स खत्म करना चाहिए उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा मेक श्योर की आप नीचे कॉमेंट करो इनफैक्ट ये भी मुझे बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप क्या चाहते हो कि मैं आपको क्या सिखाऊ डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन क्योंकि मैं रेगुलरली हर